बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम कुरतुल ऐन है और मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहती हूँ। मैं एक टीचर हूँ और एज अ टीचर, जैसा कि मैं समझती हूँ कि हम लोग जहनों को तब्दील करते हैं, ठीक है। एक उस्ताद जो होता है वो अपने शागिर्दों के जहनों को तब्दील करता है और उनकी कोशिश ये होती है कि उनके बच्चे उनसे इंस्पायर हों, उनसे अच्छी चीज़ें सीखें। तो जब हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और जब बात हमारी आ जाती है तो हम लोग अगर उन अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते तो आई थिंक सो कि हमारे उस्ताद होने का या हमारे टीचर होने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू शो प्रैक्टिकली व्हाट वी आर सेइंग। इफ वी कैन नॉट शो प्रैक्टिकली, आई थिंक सो ओनली लेक्चरिंग एंड गिविंग द डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल द थिंग्स, इट्स नॉट इनफ। हमें खुद पहले खुद पे ये सब चीजें लागू करनी होंगी, उसके बाद अपने बच्चों को सिखाना होगा। हदीस मुबारका है, एक हदीस मुझे याद आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि फरमाते हैं कि जब आप कोई बुराई देखो तो उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर नहीं इस्तेतात रखते तो अपनी जुबान से रोको। जुबान से भी रोकने की इस्तेतात नहीं रखते तो फिर उसको अपने दिल में बुरा ख्याल करो, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है, ठीक है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं अपने जुबान से इस चीज को सामने लेकर आ सकती हूँ। जैसा कि एक चीज है हमारे पास सोशल मीडिया, हम लोग इसको गंदी चीजों के लिए भी तो यूज करते हैं, हम लोग फजूल के कामों के लिए भी तो यूज करते हैं। अगर ये चीज हम अच्छे किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सके तो आई थिंक सो वी हैव टू यूज इट। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा क्लीनली ऑब्जर्व कर रही हूँ पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट को। एज मैं पठान नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मेरा ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन पश्तून मेरे भाई हैं, ठीक है। वो भी हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे भाई हैं वो। तो उनके साथ अगर कोई मसला है या वो किसी मसले से दो चार हैं और वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस चीज को ऑब्जर्व करें और देखें कि उन्हें कहाँ पे मसला है, और अगर उस मसले में हम उनका साथ दे सकते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। बजाय इसके कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ, इवन नॉट इन ऑल सोशल मीडिया, हमारा जो बेजमीर मीडिया है, ARY वाले, जियो वाले, जो भी हैं, उन पे भी यही कुछ चल रहा है कि उनको गद्दार और पता नहीं किसका एजेंट, रॉ का एजेंट और अफगानी और आई डोंट नो व्हाट एवर द वर्ड्स दे हैव दे आर कॉलिंग, वेरी वेरी बैड, वेरी बैड डियर्स। मैं ही समझती कि मैं ये वीडियो बना के ये मैं अपलोड कर दूंगी, आई डोंट नो कौन कौन देखेंगे और किस तरह के कमेंट्स करेंगे और क्या क्या रिप्लाईज आएंगे, बट मैं अपना फर्ज समझती हूँ एज अ टीचर और एज अ ह्यूमन बीइंग कि जो कुछ मैं देख रही हूँ, खुदारा आप भी देखें, उन मासूम लोगों को देखें, उन माओ बहनों बेटियों को देखें कि जो बैनर्स उठा के लाएं अपने जानने अपने प्यारों की और वो बैठी रो रही हैं और दुहाइयां कर रही हैं, उनके आंसू तो देखें। मैं आपसे पूछती हूं, अगर आपके सामने आपके घर में से किसी को उठा के ले जाया जाए और आपको पता भी ना हो कि ये कब वापस आएगा तो आपका क्या हाल होगा? मैं अपने पंजाबी बहन भाइयों से पूछती हूँ कि अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? अगले दिन सोशल मीडिया पे मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें पंजाब पुलिस के एक अहलकार ने स्कूटर पे बैठी एक बच्ची का हाथ पकड़ा और उसको उठा के नीचे जमीन पे पटक दिया। पता नहीं क्या मसला चल रहा था, आई डोंट नो, मुझे अभी याद भी नहीं है। तो आप लोगों ने कितना वावेला मचाया उस बच्ची के लिए, कितना आप लोगों ने शोर किया। पिछले दिनों जैनब के साथ वाकया हुआ, उस पर कितना शोर मचाया गया। मतलब हम लोग करते हैं अपने हक की बात करते हैं ना, जब कुछ बुरा होता है तो उन बेचारों को देखें कि जिनके 11-11, 12-12 साल से बच्चे गायब हैं, शोहरों का पता नहीं है, उनको ये पता नहीं उनका बाप कहाँ गया, उनको ये पता नहीं उनका शोहर कहाँ गया, बीवियों को ये पता नहीं कि वो बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, वो क्या हैं, उनके बच्चे अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं। खुदारा रहम करो, उनके बारे में सोचो आप लोग, उनके बारे में भी सोचो, वो भी आखिर इंसान है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जिन लोगों को आपने पकड़ा या जिन लोगों को आपने मार डाला दहशतगर्द बना के, उनको बताओ, कम से कम आप घर वालों को बताओ तो सही कि हाँ इस बंदे को हम लेके गए, इसका ये केस था या इसका ये मसला था, इसलिए इसको जेल में डाल दिया या इसको मार दिया या इसको सजा दे दी। वो बेचारे घर वाले आज भी दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि शायद यहां से हमारा बच्चा या हमारा प्यारा अभी अंदर आएगा और हम उसके गले लग जाएंगे। उन माओं के आंसू देखें,
उन बूढ़े एक बूढ़े बाबा जी, मुझे पश्तो नहीं आती ना मुझे समझ आती है, मैं सिर्फ उन लोगों के आंसुओं को देख रही हूँ कि जो वो वहां पे बैठ के बहा रहे हैं, और एक उस लीडर के थ्रू, एक उस, मैं तो उस इंसान को भी देख के बहुत इंस्पायर हुई हूँ, और बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि ऐसा लीडर होना चाहिए। वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी ही हैव मंजूर अहमद पश्तीन, उनको जितना मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, इवन मैंने बस सुना है उनको, उनकी सिर्फ पिक्चर्स में देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, मैं समझती हूँ कि इस तरह का लीडर होना चाहिए जो आपको एक भंवर से निकाल सकता है। तो अगर उनको उस लीडर के अंदर एक होप नजर आती है, उनको एक चीज नजर आ रही है कि जिसके थ्रू वो लोग अपने प्यारों से मिल सकते हैं या अपने हकूक की बात कर सकते हैं, तो आप लोग उन लोगों को गद्दार और रॉ का एजेंट और अफगानी और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। वेरी बैड, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड वे टू टॉक। इवन टुडे इन द मॉर्निंग आई जस्ट सॉ वन वीडियो अबाउट दिस थिंग, लाइक ऑन वन ऑफ द मीडिया चैनल, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट चैनल, एक किरण नाथ साहिबा, उन्होंने बड़े जोशीले अंदाज में, बड़े तकरीरी अंदाज में मुहिब्बुल वतनी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाइंदाबाद के नारे लगाए, और मंजूर अहमद पश्तीन को बड़े चैलेंज वाले उसमें आवाज में क्वेश्चंस कर रही हैं। तो किरण साहिबा ये मीडिया पे बैठ के, एक कमरे में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के बात करना बहुत आसान होता है, तकरीर तो मैं भी कर लेती हूँ, तकरीरी अंदाज तो मेरा भी है, तकरीर तो मैं भी कर लेती हूँ। अगर आपको किसी से कुछ पूछना है, यू शुड कॉल देम, यू शुड कॉल देम, यू हैव टू इनवाइट हिम, ही शुड सिट इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, ही विल आंसर, दिस इज अ राइट वे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप मीडिया पे बैठ के उनसे क्वेश्चंस कर रही हैं और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाइंदाबाद के नारे लगा रही हैं, इससे आप अपनी मुहिब्बुल वतनी साबित नहीं कर सकती। अगर आप सच्ची मुहिब्बे वतन हैं तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं आपको कहती हूँ बुलाएं उनको अपने स्टूडियो में और उनके सामने उनके अपने सवालात रखें और फिर उनसे जवाब लो, तब साबित होगी आपकी मुहिब्बुल वतनी। हाँ, इन लोगों को पागल कुत्ते ने काटा है जो ये लोग आईएसआई और आर्मी और इन चीजों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि हमारी आर्मी जो है वो हमारी मुहाफिज है? आखिर कुछ तो मसला है कि इतनी दुनिया उठी है इसके खिलाफ, तो जहां पे खराबी है उस खराबी को दूर करने की कोशिश करें, ना कि आप अपने भाइयों पे इल्जाम लगाएं। कल रोज महशर अल्लाह ताला के हजूर भी आपने जवाब देना है। हर इंसान इस चीज का जिम्मेदार होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हकूकुल्लाह तो माफ कर देंगे, हकूकुल इबाद कभी माफ नहीं करेंगे, तो हकूकुल इबाद का ख्याल करें। जब अल्लाह ताला कल सवाल करेंगे कि मजलूम लोगों का साथ दिया था कि नहीं, उस वक्त अल्लाह के हजूर शर्मिंदा होने से बेहतर है कि आज हम हक का साथ दें। अगर उनके कोई मसला है, वो किसी तकलीफ का शिकार हैं या उनके साथ ज्यादती की जा रही है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनका साथ दें। मेरी अपने तमाम पंजाबी बहन भाइयों से ये गुजारिश है, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर गद्दारी का या उनके ऊपर किसी और चीज का इल्जाम लगाएं, उनकी बातों को सुने और उनका साथ दें। थैंक यू सो मच।